अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट हूर फातिमा और आप देख रहे हैं मुमताज न्यूज। शामिल करते हैं आज की अहम खबर। सामीला मुमताज की रिपोर्ट के मुताबिक मंदी बहावुद्दीन डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर फैसल सलीम की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड का इजलास डीसी ऑफिस में मुनक़द हुआ। इजलास में सीईओ हेल्थ डॉक्टर आबिद यूसुफ, डिस्ट्रिक्ट ड्रग कंट्रोलर मोहम्मद अफजल, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड उज़्मा मजहर वड़ाइच, ड्रग इंस्पेक्टर्स अताउल मुस्तफा, औरंगजेब मेंबर्स कमेटी मेडिसिन डॉक्टर किफायत रसूल, डॉक्टर अरशद तनवीर समेत मुतालिक अफसरान भी मौजूद थे। मंडी बहावुद्दीन डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर फैसल सलीम की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड के इजलास में कुल 17 मेडिकल स्टोर्स के केसेस पेश किए, जिन पर बगैर लाइसेंस, बगैर वारंटी, जायदुल मयात, गैर रजिस्टर्ड अद्वियात रखने और अद्वियात का रिकॉर्ड न रखने वगैरह जैसे इल्जाम थे। डिप्टी कमिश्नर ने 2 मेडिकल स्टोर्स मालकान के खिलाफ मुकदमा ड्रग कोर्ट भेजने, 11 मेडिकल स्टोर्स को वार्निंग और 4 मेडिकल स्टोर्स मालकान का अगले इजलास में पेश होने का हुक्म दिया। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर फैसल सलीम का कहना था कि क्वालिफाइड शख्स के बगैर मेडिकल स्टोर या क्लिनिक काम नहीं कर सकता। उन्होंने वाज़ेह किया कि वार्निंग या सजा की बात थी, बेकायदगियों से बाज न आने वाले मेडिकल स्टोरों का केस बगैर किसी तफरी के पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को भिजवा कर मौसर पैरवी की जाए।